युवाओं का रोजगार 8 महीना हो गया शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा पे एक भी काम किए हैं? कोई काम नहीं किया, अल बल बयान देते रहते। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर देखा था महावीर जी की जयंती थी और गौतम बुद्ध जी का फोटो लगाए हुए। शिक्षक अभ्यर्थी 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग है, नियोजित जो पहले से 4 लाख है, ST-19 और CTET-BTET। हमने निर्णय लिया है कि अब जब तक इन लोगों का राजनीतिक पतंग नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। आपने विज्ञापन अभी तक नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए, परास्त कर देंगे आपको। अब ये सत्ता में आ गए हैं तो अब इनको लगता है कोई विरोधी इसको प्रायोजित कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया है, 32 सालों में बिहार को इन्होंने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। हमने इसी को तो उजागर किया है, खिलाने लगेंगे ना घूम घूम करके बिहार के 3800 जिला 4400 लोकसभा क्षेत्र में, अभी पहचानते नहीं है ये, तो होश बिगाड़ देंगे इनका। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशविल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशविल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह साफ कह दिया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कि जिस तरीके से परीक्षा होने वाली है इसको देखते हुए अभ्यर्थी तैयारी करे, चिंता ना करे, परीक्षा जो होगी वो अच्छे से होगी। तो वहीं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे ऑफिस में अनिल और अभिषेक है, दोनों ST-19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, दोनों से जुड़ेंगे बात करेंगे। पहले अनिल से शुरुआत करेंगे। अनिल, कैसे देखते हैं शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण बिहार में शिक्षा हम लाएंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान की धरती रही है हमारी बिहार। तो ज्ञान की धरती रही है तो यही बात तो हम लोग 2 सालों से कह रहे थे, हम परीक्षा से दूर थोड़ी ना। हमारा जो परीक्षा ST-20 था, ST-2019 था, वह एक प्रतियोगिता परीक्षा था। 4 सालों तक हमने इंतजार किया, 4 बार परीक्षा दिया, विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, और जब परीक्षा में पास करके मेरिट में आ गए, नियुक्ति पत्र लेने की बारी आई, कुछ मेरे साथियों को नॉट मेरिट में डाल दिया। तो अभी तो ये कह रहे थे कि नहीं, परीक्षा का मतलब नहीं है, जैसे होता था वैसी बहाली होगा, तो हम इसी का तो विरोध कर रहे थे। लेकिन BPSC से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारी तैयारी के बारे में वो चिंता ना करें, अपनी तैयारी के बारे में चिंता करें, हम तैयारी कर लेंगे। मामला बस ये है कि हमारा इस ST-2019 का क्या होगा, हम तो परीक्षा पास हो गए हैं, हम तो नियुक्ति पत्र चाहिए, तो BPSC में फिर से हम परीक्षा देने कैसे जाएंगे? हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, और तब हम BPSC में जा करके और क्या बोलते हैं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। अभिषेक से जुड़ेंगे। अभिषेक, लाखों लाख बहाली की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख बिहार में बहाली होने वाली है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। सिर्फ बोल रहे हैं वो, युवाओं का रोजगार 8 महीना हो गया शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा पे एक भी काम किए हैं? कोई काम नहीं किया, अल बल बयान देते रहते हैं। ज्ञान जो इतना दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर देखा था महावीर जी की जयंती थी और गौतम बुद्ध जी का फोटो लगाए हुए थे। शिक्षा मंत्री होके इतना ज्ञानी होके ज्ञान पढ़ते हमारे सामने, बिहार के जनता के सामने, और ट्विटर पर इतना, मतलब पूरे देश में उनका चर्चा चल रहा था कि महावीर जी की जयंती या गौतम बुद्ध जी का फोटो। अपना तो ज्ञान है नहीं, हमको ज्ञान सिखाने चलिएगा, हमको ज्ञान है, ST-19 प्रतियोगिता परीक्षा पास है। आपने विज्ञापन अभी तक नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए, परास्त कर देंगे आपको, सड़क पर भी परास्त करेंगे या कोर्ट में भी परास्त करेंगे। आप ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, आप तैयारी की बात जहां तक करते हैं, मैं खुद तैयार हूं, आप अपना तैयारी की चिंता कीजिए कि आप फ्रेश चुनाइएगा कि नहीं चुनाइएगा। आपका जिंदगी ना हम लोग डार्क कर देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग है, नियोजित जो पहले से 4 लाख है, ST-19 और CTET-BTET। हमने निर्णय लिया है कि अब जब तक इन लोगों का राजनीतिक पतंग नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। एक ही उपाय है, काला फरमान वापस लीजिए तब हम लोग वापस अपना आएंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हर एक जिला में पुतला फूकेंगे, और उसके बाद क्या होगा सोच लीजिएगा। अनिल, कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि विरोधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, कोई जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं बहाली ना हो, इसलिए ये बेवकूफ़ शिक्षा मंत्री हैं, इनको इनको समझदारी तो है ही नहीं।
हमारा मुद्दा ये 2 साल से चल रहा है और तेजस्वी यादव हमारा समर्थन किया करते थे जब वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो ये विरोधी थे उस समय। अब ये सत्ता में आ गए हैं तो अब इनको लगता है कोई विरोधी इसको प्रायोजित कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया है, इनके पास क्षमता ही नहीं है जो ये बिहार को चला सके। बिहार को तो इन्होंने समाप्त कर दिया दोनों ने, चाचा भतीजा की सरकार ने, लगभग 30-32 साल से इनकी सरकार है ना, 32 सालों में बिहार को इन्होंने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। हमने इसी को तो उजागर किया है, बिहार के सरकारी विद्यालयों का शिक्षा 100% समाप्त कर दिया, हमने इसी को तो उजागर कर दिया। कहीं प्रयोगशाला नहीं है, 64 से 21 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, और स्कूल को आपने मान्यता कैसे दे दिया, कभी पूछिएगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जब 64 से 21 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, प्रयोगशाला का कोई सामान नहीं है, प्रयोगशाला सहायक नहीं है, तो आपने मान्यता कैसे दे दिया जी, कौन सी बुद्धिमत्ता है आपको मान्यता दे देने का। तो इनके पास बुद्धि की कमी है। अरे कुछ दिन पहले विधान परिषद में एक डिबेट चल रहा था, तो कुछ लगता है कि विपक्ष के नेतागण माननीय विधान परिषद के सदस्यगण जो हैं इनको कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इन्होंने इंटरप्शन कहना चाहिए था, जिसको इन्होंने बोला कि इंटरोगेशन, जिसको विधान परिषद के जो सभाध्यक्ष महोदय हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उन्होंने इनको सुधार करने की कोशिश की। यानी इनको ये भी जानकारी नहीं है कि इंटरप्शन और इंटरोगेशन में क्या अंतर होता है। शिक्षा पे कभी बात नहीं करते, ये रामचरितमानस की बात करते हैं, तो खुद को प्रोफेसर बताते हैं, पैसे से प्रोफेसर भी हैं, बातचीत भी प्रोफेसर वाला होना चाहिए ना जी। नहीं है बातचीत प्रोफेसर, बिल्कुल नहीं प्रोफेसर बातचीत है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या किया है पिछले 8 महीनों में बताइएगा। दूसरी बात, पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था 100% समाप्त हो गया, इसके बारे में उन्होंने कुछ किया है? वो बेबाहियात बेबुनियाद बात करते हैं, और ये लोग कानून के धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं, ठीक है। आजकल ये लोग, तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट मैंने सुना, वो अतीक जी बोल रहे थे, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे अतीक अहमद के बारे में, लेकिन अतीक जी बड़ा सम्मान की भावना है ना जी। और हमारे लिए, हम कहाँ के आतंकवादी है रे भाई कि सरकार गलत फैसला ले, हम धरना पे बैठे, हमें 35 दिन तक जेल में ठोस दिया तूने, 6-6 गंभीर धाराएं मेरे माथे पे डाल दिया, 6-6 FIR दर्ज कर दिया, कभी इसके बारे में सोचा है क्या? धारा भी नहीं हटा है, कोई कुछ नहीं हटा है, और क्या यहाँ कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां नहीं उजाड़ी जा रही है, जब हम सुशासन की सरकार बताई जाती है। अरे कोई सुशासन की सरकार नहीं है, जनता यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, बिहार में अघोषित आपातकाल है, लोकतंत्र नहीं है, ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना 24 में, चिंता मत करिए। और ये सोच रहे होंगे ना कि एक अनिल एक वोट देगा, नहीं जी, जो चिल्लाने लगेंगे ना घूम घूम करके बिहार के 3800 जिला 4000 लोकसभा क्षेत्र में, अभी पहचानते नहीं है ये, तो होश बिगाड़ देंगे इनका। चलिए अभिषेक, लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान लगातार उसके उल्टा आ रहा है, विपरीत आ रहा है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं तैयारी ही कीजिए, तैयारी ही कीजिए, पिछले बयान में भी उन्होंने यही कहा था, फिर से एक बार वही कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनको समुचित इलाज की आवश्यकता है। हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम अब थोड़े दिन में रखेंगे, भिक्षा पूरे बिहार राज्य से मांगेंगे उनके समुचित इलाज के लिए, पागलखाना में कितना लगेगा ये सब पता कर रहे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि बिना इलाज का वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अटपट बयान देते रहते हैं, महावीर जी का जयंती है तब गौतम बुद्ध का लगा देते हैं, शिक्षा जहां बात करना है वहां रामचरित की बात करते हैं, इससे हमको स्पष्ट हो गया कि वो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो उनको मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। रहा बात हमारी परीक्षा का, तो हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, STET 19 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा था, हम लोग पास हैं, किसी भी सूरत में हम जीतेंगे, आप परास्त करेंगे, सड़क पे भी परास्त करेंगे और न्यायालय में भी परास्त करेंगे। अब मानसिक संतुलन इनका खराब हो गया है, व्यवस्था कर रहे हैं इनका, तो कह रहे हैं विरोधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है नई नियमावली का, नई नियमावली काफी बेहतर है। नई नियमावली शिक्षा मंत्री जी खुद ही नहीं पढ़े होंगे, जहां तक बात है STET 19 2019 का, विज्ञापन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, समय कहाँ है, नेता है ना, नेताओं के पास समय नहीं रहता है, झंडी मार नेता है, झंडी अच्छा। मार है, झंडी मार किसको कहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, कहां ना कहां से प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर रह गए 15 साल में। नियम है UGC के कि 2 साल के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनिएगा, उसका रीडर बनिएगा, उसका प्रोफेसर, उसका HOD, अभी तक असिस्टेंट है, सोच लीजिए कैसा प्रोफेसर कि 15 साल होने के बाद असिस्टेंट रह गए, समझ सकते हैं ना। UGC का नियम है कि 2 साल के बाद आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो
तो वहाँ प्रमोशन नहीं हुआ तो इनका मानसिक संतुलन खराब है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा है, इनका काला फरमान वापस नहीं करेंगे 2023 नियावली, तो हम लोग कैलक छावनी में तब्दील कर ले हैं। डर काला लग रहा है शिक्षा मंत्री जी को, घर के सामने पूरा बंदूक वाला रख ले कि कहीं मारने दे। अरे हम लोग मारने नहीं आए हैं, आपसे बात करने आए, बात भी तो कीजिए। अट पट बयान देने से नहीं हुआ कि पूरा देश में छा लीजिएगा, हम लोग छाने के लिए हैं यहाँ से। आप बात करेंगे, बात करके व्यवस्था बात करके आपको रांची भेजेंगे। अभ्यर्थियों के डर से फोर्स उतार दिया गया है, पूरा फोर्स उतार गया है। दहशत फैला है, अभ्यर्थी कलम लेकर न चलता है, मारने थोड़े जा रहा था, सिर्फ बात करने जा रहा था कि STT 19 एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था और उसमें रिजल्ट जो जारी किया गया था वो सही है कि गलत है। एक बार भी आदमी बोले STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा है कि नहीं शिक्षा मंत्री जी, हाँ या ना, एक बार में जवाब चाहिए, हाँ कि ना। अगर प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, किसी भी राज्य में पात्रता परीक्षा में सीटें वर्णित नहीं होती है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, है कहीं का प्रमाण तो बता दे, पात्रता परीक्षा में सीट वर्णित नहीं होती है, स्पष्ट है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर आप में थोड़ा सा है बुद्धि, मानसिक संतुलन ठीक है, तो निर्णय वापस लीजिए, नहीं तो बाकी इलाज का व्यवस्था हम कर रहे हैं, पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, तो हम रांची आपकी विदाई कर। नई नियमावली का विरोध कब तक जारी रहेगा? लगातार, जब तक ये नियमावली वापस नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। परीक्षा ले लिया जाएगा उस बीच, तो परीक्षा से डरते क्या है, दीजिएगा परीक्षा, उसमें भी टॉप करेंगे। हाँ, और उस जो अभी नियमावली है उसको भी निरस्त करेंगे कोर्ट के द्वारा, दोनों में टॉप करेंगे, न्यायालय में भी टॉप करेंगे, BPSC में भी टॉप करेंगे। लेकिन टॉप करने की बात नहीं है, मेरा 4 साल मेरा विज्ञापन, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी है, कल उनको चुनाव लड़वाया जाए, वो भी फ्रेश चुनाव के आएंगे, क्योंकि वो भी तो शिक्षा में काम कर रहे हैं, उनको भी चुनाव लड़वाया जाए, हम भी परसों एग्जाम देने के लिए तैयार है। ये तो कोई ऑथेंटिक बात नहीं ना हुई, संविधान में नियम है कि 5 साल के बाद आप चुनाव लड़िएगा, ठीक है। तो हमारे विज्ञापन में था प्रतियोगिता परीक्षा आप पास कर जाएगा, मेरिट बन जाइएगा, आपकी नौकरी पक्की, तो उसी के अनुसार। लेकिन कहते हैं कि शिक्षक लोग डरा हुआ है, वही चीज पढ़ रहा है तो डर कहला रहा है, तो आप भी तो चुनाव लड़ लीजिए ना, कर ले, है चैलेंज, है दम, चैलेंज देते हैं आपको, परसों चुनाव में उतरिए आप, मैं तरसो ऑनलाइन एग्जाम लंदन आयोग से देने के लिए।